हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज शाओमी की तरफ से है। तो आज शाओमी ने ये कंफर्म कर दिया है कि Mi 10 सीरीज ग्लोबली 27 मार्च को लॉन्च होने वाली है। उसके साथ साथ आज ये भी पता चल ही गया है कि Mi 10 सीरीज इंडिया में भी सून लॉन्च होने ही वाली है। अगली न्यूज भी शाओमी की तरफ से ही है। तो आज एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि रेडमी नोट 9 प्रो जब चाइना में लॉन्च होगा तब वहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट नहीं मिलेगा। वहाँ हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 का चिपसेट मिलने वाला है। बट वो लोग इंडिया में मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 नहीं देंगे, वो लोग शायद स्नैपड्रैगन 720G देंगे या फिर कोई और प्रोसेसर देने वाले हैं। और उसके साथ साथ आज एक और न्यूज पता चली है कि इंडिया में रेडमी नोट 9 प्रो ही सिर्फ लॉन्च नहीं होने वाला है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। यानी कि इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन रेडमी नोट 9 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज नोकिया की तरफ से है। तो आज नोकिया ने कंफर्म कर दिया है कि उनका पहला 5G स्मार्टफोन वो लोग 19 मार्च को लॉन्च करने वाले हैं। और ये लॉन्च इवेंट लंदन में उन्होंने रखा है। और पता चला है कि ये स्मार्टफोन नोकिया 8.2 5G होने वाला है। उसके साथ साथ ये भी पता चला है कि इस इवेंट में वो लोग नोकिया 5.2 को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगली न्यूज वीवो की तरफ से है। तो आज वीवो ने वीवो नेक्स्ट 3S का एक टीजर निकाला है। वहां से ये पता चलता है कि वीवो नेक्स्ट 3S में हमें वॉटरफॉल डिस्प्ले मिलने वाली है। उसके साथ साथ ये भी पता चल ही गया है कि इसमें हमें स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट मिलने वाला है। अगली न्यूज TCL की तरफ से है। तो आज TCL ने अपने दो नए स्मार्टफोन शोकेस किए है, जहां पर पहला स्मार्टफोन है उनका TCL Tri-Fold Foldable Smartphone। ये foldable smartphone है जो 3 बार fold हो सकता है। दूसरा smartphone है उनका TCL Rollable Display Smartphone। ये smartphone है जिसकी display हम बाहर निकाल सकते हैं और ये smartphone में से बन जाएगा tablet। ये concept उन्होंने बहुत अच्छा निकाला है। अभी उन्होंने इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस नहीं बताई है। ये स्मार्टफोन वो लोग MWC 2020 में ही लॉन्च करने वाले थे, बट कोरोना वायरस की वजह से MWC कैंसिल हो चुका, इसीलिए आज इन्होंने ये दोनों फोन शोकेस कर लिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये TCL के स्मार्टफोन्स कैसे लगे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज ओप्पो की तरफ से है। तो आज ओप्पो ने ओप्पो फाइंड X2 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने ओप्पो की स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च कर दिया है। ओप्पो की स्मार्ट वॉच के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो कार्ड पर लिंक आपको मिल जाएगी, आप वो जाकर जरूर देख सकते हैं। ओप्पो फाइंड X2 सीरीज में हमें मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले QHD प्लस डिस्प्ले है। इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरास भी मिलते हैं, जहां पर हमें 10x हाइब्रिड जूम का सपोर्ट मिलता है। ओप्पो फाइंड X2 की स्टार्टिंग प्राइस है 999 यूरोस। इसको हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो करीबन होती है 83,000 रुपीज। प्रो वेरियंट की प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस है 1,199 यूरोस। इसको हम इंडियन रूपी में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी प्राइस होती है 1,00,000 रुपीज। तो दोस्तों, आपको ओप्पो फाइंड X2 सीरीज कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।